आइसक्रीम गर्मी के दिन और रात दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट ट्रीट है, और ये अगर मैंगो फ्लेवर वाली हो तो मज़ा आ जाए। आशात स्पाइसेस आज शेयर कर रही हूँ मैंगो योगर्ट पॉप्सिकल, इसे हम घर पर बहुत ही आसानी से बहुत थोड़े से सामान के साथ बना सकते हैं। बिल्कुल क्रीमी और टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है, तो आइए साथ में बनाते हैं। मैंगो पॉप्सिकल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 से 3 पके हुए आम, जिसे अच्छी तरह से धो लेंगे और इसका छिलका निकाल कर इसे रफली चॉप्ड कर लेंगे। कटे हुए आम को हम डाल देते हैं एक एक ग्राइंडर जार में, और साथ में इसमें डाल रही हूँ मैं 2 बड़े चम्मच के लगभग दही और 3 से 4 बड़े चम्मच के लगभग चीनी। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और साथ ही आधा कप दूध डाल रही हूँ और इसका एक फाइन प्यूरी तैयार कर लेते हैं। और अब ले लेते हैं पॉप्सिकल मोल्ड, जिसमें हमें इस प्यूरी को भरना है। मोल्ड में हम आधे से थोड़ा कम ही भरेंगे। बची हुई प्यूरी को भी हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, इसे बाद में यूज़ करेंगे। और आइसक्रीम मोल्ड को रख देते हैं डीप फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए, जब तक कि ये अच्छी तरह से जम ना जाए। और अब मैंने ले लिया है एक ब्लेंडर जार, जिसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच के लगभग बिल्कुल गाढ़ी दही, और 2 बड़ा चम्मच के लगभग ले रहे हैं पाउडर शुगर, और 1 छोटा चम्मच ले लेते हैं वनीला एसेंस, और आधा कप दूध, और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। और इसको भी रख देते हैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। 3.5 घंटे हो गए हैं, मैं फ्रीज़र में से पॉप्सिकल मोल्ड निकाल लेती हूँ, ये बिल्कुल जम गया है। तो इसके बाद हम दे देते हैं इसमें जो हमने दही वाला मिक्सचर तैयार किया है उसे। इसे भी मोल्ड में पूरा नहीं भरना है, सिर्फ 3/4 भाग तक ही भरेंगे। इसे भी चिलर में सेट होने के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे तक के लिए। 3 घंटे बाद पॉप्सिकल मोल्ड को फ्रिज में से बाहर निकालते हैं, और अब ये भी सेट हो चुका है। तो इसके ऊपर जो मैंगो वाला मिक्सचर हमने तैयार किया था वो डाल देंगे और इसे अभी पूरा भर देंगे। और अब इसको फिर से रख देते हैं फ्रीज़र में जमने के लिए 3 से 4 घंटे तक। और 3 घंटे बाद हम फ्रीज़र में से पॉप्सिकल मोल्ड को निकालते हैं, इसे एक पानी के ऊपर रख देते हैं कुछ सेकेंड तक, ताकि पॉप्सिकल आसानी से मोल्ड में से निकल जाए। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया 2 कलर वाला पॉप्सिकल बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट रिफ्रेशिंग मैंगो पॉप्सिकल बनकर तैयार, गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम। तो दोस्तों, इन गर्मियों में बिल्कुल नई मैंगो लस्सी फ्लेवर वाली यह पॉप्सिकल आप भी ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।